नीट का स्कैम यहाँ खत्म नहीं हुआ था कि अब यहाँ पे न्यूज आने लग गई है कि CUT के अंदर भी ब्लंडर हो गया, जिसकी वजह से CUT UG का री एग्जाम होने वाला है। QET UG परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गड़बड़ी मिली कि दोबारा होगी परीक्षाएं, TA ने ये बड़ा बयान दिया है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हाल होंगे, ऑब्वियसली बात, कॉलेज जाने के दरवाजे पे आप खड़े हुए हैं। बट यहां पे जो आपने CUT एग्जामिनेशन दिए थे, जिसके बिहाफ पे आप कॉलेज सिलेक्ट करने वाले थे, उसमें भी अब ब्लंडर निकल के आने लग गए, जैसे नीट के अंदर आए। सच बताऊं तो मेरे को भी अब ऐसा लगने लग गया कि NTA सच में कुछ अच्छा भी काम कर रहा है कि नहीं। जो भी एग्जामिनेशन NTA रिगार्डिंग रह रहे हैं, उस सभी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब हाल ही में NTA की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें आंसर की आप लोग को प्रोवाइड हुई थी। आंसर की का तो एक अलग ब्लंडर हुआ, उसका डिस्कशन अभी आखिरी में। उसी नोटिफिकेशन में नीचे ये लिखा हुआ है कि जितने बच्चों ने शिकायत दर्ज करी थी कि उनके एग्जाम रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, चाहे उनको टाइम नहीं मिल पाया या कंप्यूटर वगैरह खराब हो गए थे उस टाइम पे, या किसी भी टाइप का स्पेसिफिक रीजन जहां पे उनका एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, उन सभी लोग का CUET एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट हो सकता है। और इसके बारे में NTA ने यहां पे डिक्लेयर किया कि वो एग्जामिनेशन 15 से लेकर 19 जुलाई के बीच में होने वाला है, मतलब मुश्किल से एक आध हफ्ते बाद। अब बात ये निकल के आती है कि जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करे उनके साथ जो इश्यूज हुए उसका क्या? उसके लिए NTA ने सीधा सिंपल बात कहा है, 30 जून से पहले जिनने यहाँ रिपोर्ट कर चुके थे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सिर्फ उनका होने वाला है। और बाकियों का क्या भाई, जिनके साथ ये सेम इश्यूज हुए हैं और उनको पता नहीं था कि रिपोर्ट भी करना है। इसका मतलब ये कि जिन्होंने सिर्फ रिपोर्ट करे हैं उनका री एग्जामिनेशन होगा, और बाकियों का क्या ये इनजस्टिस नहीं हुआ? अरे भाई, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ सच में जेन्युइन प्रॉब्लम हुआ होगा, उनका क्या होगा? अब आप लोग एक चीज समझो यार, फिर से CUT एग्जामिनेशन इतने सारे लोगों का होगा और जिनका पहले हो चुका है उनका रिजल्ट निकल जाएगा, तो इनका कब आएगा? कॉलेज प्रोसेस में कितना ज्यादा यहाँ पे डिले होने वाला है। आप जानते हो कि आप में से काफी सारे लोग वेट कर रहे हो CUT एग्जामिनेशन के रिजल्ट का, और उसके बिहाफ में आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। बट यार, आप में से काफी सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं आपके घर पे जो आप लोग को पक्का सजेस्ट करने लग गए होंगे कि यार प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी सीट तो एटलीस्ट बना लो, क्योंकि वो लोग तो वेट ही नहीं कर रहे ना। आप पैसे प्राइवेट कॉलेज में भी फंसा के बैठे हो, CUT यहाँ पे रिजल्ट ढंग से डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो ये तो मजाक चल रहा है यार भाई एजुकेशन सिस्टम में। प्लीज, मेरी ये रिक्वेस्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट देख रही हो या कोई बड़ी अथॉरिटी, भाई प्लीज यार ये सब चीजें सही से करवा दो यार। बच्चों के फ्यूचर की बात होती है, हर बार एग्जाम देने के लिए क्या स्ट्रेस, किस टेंशन, किस तरीके का पीयर प्रेशर से उसको गुजरना पड़ता है, वो ही जानता है। अभी फिर से री एग्जामिनेशन हो जाएगा तो इस बीच में बच्चा कैसे पढ़ेगा? ढंग से उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। अब आप तो कह दोगे कि हाँ भाई पहले से पढ़ के रखे थे, पहले से पढ़ के रखे थे क्योंकि उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके बैठे थे, अभी तो यहाँ पे पूरी तरीके से रिलैक्स थे, वेट कर रहे थे रिजल्ट। अब पता चल रहा है कि एग्जाम फिर से होने वाला है, क्या वो प्रिपरेशन सच में वैसी हो भी पाएगी? नहीं होगी। अभी जो री एग्जामिनेशन होने वाला है CUT, इसके बारे में कुछ दिन में आप लोग को डिक्लेयर कर देगा स्पेसिफिकली ये कब होने वाला, कैसे होने वाला, किस तरीके से होने वाला और किन लोगों के लिए होने वाला। अब ये बात को तो रखते हैं साइड में, दूसरी चीज निकल के आई है कि हाल ही में CUT ने आंसर की प्रोवाइड करी, और टेलीग्राम में भर भर के मेरे पास मैसेजेस आए कि भैया हमारे पास जो आंसर की मिली हमारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसमें इश्यूज है, वो आंसर की गलत है। तो अब यार हद पार हो गई, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है अगर वही आंसर की गलत भेज देगा तो बच्चा क्या एक्सपेक्ट करेगा? मतलब सच में यार हमारे देश में पता नहीं क्या चल रहा है यार, NTA के चक्कर में हर एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और हमारी कंट्री का नाम भी ऐसे में खराब हो रहा है ना यार। इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके साथ भी आंसर की में सच में कोई मेजर इशू आया है, या आप लोग को भी जो आंसर की मिली आपको लगता है कि वो गलत है जैसे मेरे को मैक्सिमम लोगों ने बताया, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्लीज स्पेसिफिकली लिखिएगा कि मैं इस सब्जेक्ट का बिलोंग करता हूं, मेरे को जो आंसर की मिली उसमें ये प्रॉब्लम्स है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक के कमेंट पिकअप करके अगला वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली जिसमें मैं आंसर की के ऊपर आप लोग को बात करने वाला। अभी अगर आवाज नहीं उठाई तो याद रखना नीट जैसे बड़े एग्जाम के चक्कर में CUT एग्जामिनेशन की आवाज यहीं पे दब जाएगी, और याद रखो फिर बाद में तुम लोग कोई कॉलेज सिलेक्शन में दिक्कत आने वाली है। क्लियर कट बात है, अगर री एग्जाम होगा तो तुम्हारा रिजल्ट लेट आएगा और जिनका रिजल्ट आ चुका है उनका एडमिशन हो जाएगा, और अगर दोनों का साथ में आएगा तो एडमिशन प्रोसेस और सेशन तो कितने लेट हो जाएंगे। इसके ऊपर सच में गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जितने भी एग्जामिनेशन NTA कंडक्ट करवा रही है इसमें ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों निकल के आ रहा है यार। बच्चों के फ्यूचर की बात है, कोई मजाक नहीं है भाई, माँ बाप लाखों रुपए लगा के पढ़ाते बच्चों को यार, आखिरी में अगर ये चीज निकल के आएगी कि ऐसे ऐसे इश्यूज हो रहे तो फिर क्या करेगा बच्चा? फिर अल्टीमेटली तो उसको यही डिसीजन लेना पड़ता है कि वो बाहर जाके पढ़े फिर देश छोड़ के। इसके ऊपर आवाज उठाए और मुझे सच में बताएं कि आप लोग के साथ भी क्या ये इश्यूज निकल के आए। कमेंट बॉक्स में मैं सभी लोग का कमेंट पढ़ने वाला हूं, प्लीज अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे कुछ हो जाए CUT के अंदर अगर ऐसा लफड़ा हुआ है तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।